सर बताइए आपने किस तरह का क्या एक्शन लिया था? मैं किशोर सिंह कुशवाहा हूँ और मैंने 26 जून को 2024 को करोल बाग में राव आईएएस के बेसमेंट की कंप्लेंट की थी केंद्र सरकार को पीजी पोर्टल के माध्यम से, लेकिन उस पर उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए भेज दी थी एमसीडी के लिए, लेकिन एमसीडी द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मैंने पुनः उसे 15 जुलाई को रिमाइंडर भेजा, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर मैंने 22 जुलाई को दोबारा रिमाइंडर भेजा उन्हें, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जो घटना वहाँ पर घटित हुई है बेहद दुखद एवं संतापपूर्ण है, लेकिन उस पर यदि वो एक्शन हो जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती और बच्चों का हित सद जाता। तो इस प्रकार से कई लाइब्रेरीज बेसमेंट में संचालित होती हैं और कई कक्षाएं संचालित होती हैं सिर्फ दिल्ली के ओल्ड राजन नगर में ही नहीं बल्कि मुखर्जी नगर में, ग्वालियर के पड़ाव और जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे भी, जहाँ पे एजुकेशन हब है कोटा, जयपुर, पटना, इंदौर, बड़ी बड़ी सिटियों में बेसमेंट में लाइब्रेरीज संचालित होती हैं, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। क्योंकि ये बिल्डिंगें पहली बात जर्जर होती हैं, दूसरा एमसीडी या नगर निगम की तरफ से इनमें परमिशन नहीं होती है, सिर्फ स्टोरेज के लिए परमिशन होती है, लेकिन ये लोग पैसा बचाने के चक्कर में एमसीडी को या नगर निगम को पैसा खिलाकर झूठी परमिशन लेते हैं और कक्षाएं संचालित करते रहते हैं। पूरे देश में स्थिति है, मैं यही चाहता हूं कि जो पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल है उसके माध्यम से जो शिकायतें होती हैं तो उन्हें संज्ञान में ली जाए, क्योंकि मैंने 26 जून को करेक्ट एक महीने पहले शिकायत की थी। यदि उस पर कार्रवाई हो जाती तो वो जो जो जाने गई हैं वो बच जाती हैं आराम से। तो ये पूरी लापरवाही प्रशासन की और प्रशासन को छोटी से छोटी शिकायत पर पूर्ण तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए।